हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। देखिए, आज मैं आपको एक फंदे से डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी, एक फंदे से कैसे डिजाइन बनाते हैं। और बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल कर लीजिए। हाफ स्वेटर में, बेबी ब्लैंकेट वगैरह में और बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करें, टोपी वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक के हिसाब से फंदे डाले जाते हैं, आप जितना भी चाहती हैं उस हिसाब से फंदे डाल लें और आपका डिजाइन बिल्कुल सेट बनेगा। तो देखो, फर्स्ट सिलाई हम सीधा सीधा बनाएंगे, किसी भी बॉर्डर वगैरह पे आप अप्लाई करें तो बहुत अच्छा लगता है। बॉर्डर बना के अपने स्वेटर में डाल लें। पहले ऐसे हम सीधी सिलाई निकालेंगे, एक सीधी, ये नीचे बेस की सिलाई है, थोड़ी सी मैं निकाल के दिखा रही हूँ। लास्ट का फंदा, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब सेकंड सिलाई भी, मैं पहली सीधी सिलाई बुन रही हूँ, सेकंड बैक साइड में। देखो, इस तरह से हमारा नीचे ये बना लिया है हमने। उसके बाद देखना, फर्स्ट फंदा हम स्लिप करेंगे। अभी ये हमारा फंदा दिख रहा है, दोनों के बीच में हम यहाँ पर सिलाई डालेंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डाल के एक लूप बनाएंगे इस तरह से, और इस फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे। फिर दोबारा से इस फंदे, दोनों फंदों के बीच में से एक लूप बनाएंगे और इसको सीधा बुनेंगे। इसी तरह हमको पूरी सिलाई निकालनी है ऐसे, फिर इसको सीधा बुनेंगे इस तरह से। फिर से इसको हम मेरा फंदा नीचे गिर गया फ्रेंड्स, मैं इसको उठा लेती हूँ। ये देखिए, इस फंदे के यहाँ पर दोनों के बीच में हमको सिलाई डालनी है और यहाँ पर फिर इसको सीधा बुनना है इस तरह से। ऐसे बनाना, पूरी सिलाई को हम बार बार रिपीट करेंगे। पहले एक दोनों के बीच में से एक लूप बनाना है, फिर फंदे को सीधा बुनना है, फिर लूप बनाना है दोनों के बीच में से, फिर सीधा बुनना है, फिर लूप बनाना है, फिर सीधा बुनना है। इस तरह से हम पूरी सिलाई को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी पैटर्न है बिगनर्स के लिए भी, और जो भी कोई अपना स्वेटर बनाए आसानी से बन जाता है इस डिजाइन से। और
बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत सुंदर भी लगता है इस डिजाइन में। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे जो भी कोई नया आया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखो, लास्ट का फंदा भी हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब बैक साइड में अभी सेकंड सिलाई है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अभी देखो, एक ये फंदा और एक ये लूप वाला फंदा, दोनों को हम दो का एक कर देंगे यहाँ पर, फिर दोनों को एक करेंगे इस तरह से। ये लूप वाला फंदा और हमारा जो फंदा है उसको हम उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक करते हुए जाएंगे। ये देखो, एक ये फंदा है, इस तरह से ये दोनों फंदे इस तरह हम दो का एक करते हुए पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखो, बना दिए मैंने, और ये हमारा डिजाइन देखो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है। अभी एक बार फिर से मैं बना के दिखा देती हूँ, जिससे कि बिगनर्स को समझ आ जाए। देखो, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, ये देखो, इस दो फंदों के बीच में से हम सिलाई डालेंगे और इस तरह से, और ये सीधा फंदा बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे दोनों के बीच में डाल के इस तरह से, और फिर एक सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से, फिर सीधा फंदा बुनेंगे, फिर ऐसे। इस तरह से हम पूरी सिलाई इसको निकालेंगे। एक लूप बनाएंगे और ये फंदे को सीधा बनाएंगे। बहुत इजी पैटर्न है। ये देखो, इस तरह से बनकर आएगा। दो सिलाइयों का पैटर्न है, बस एक सिलाई में डलता है और दूसरी सिलाई में हम उसको घटा देते हैं। उल्टी सिलाई में इसमें एक लूप बनाते हैं और दूसरी बैक साइड की सिलाई होती है उसमें हम उस लूप को घटा देंगे। तो हमारा पैटर्न बनके बहुत सुंदर आता है। ये देखिए, अभी लूप वाला फंदा और हमारा जो फंदा है, उन दोनों को इस तरह से दो का एक करते हुए ले जाएंगे। इस तरह उल्टी सिलाई हमारी इस तरह निकलेगी।
जेंट्स हाफ स्वेटर वगैरह में भी डाल लो, बहुत अच्छा लगेगा। आगे ये देखो इस तरह बनकर आया। बार बार रिपीट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखो ऐसे बनकर आएगा हमारा ये पैटर्न। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है, किसी भी उसमें स्वेटर में डालो बहुत बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स मेरा डिजाइन अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, बाय बाय।